रामचरितमानस पर स्वामी मौर्य के विवादित बयान के बाद हिंदुओं का हल्ला बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य को ठीक करने कोतवाली पहुंचे हिंदू नेता। अखिलेश यादव से किया कटु सवाल, सीएम योगी से पूछा कहां है हिंदुवादी सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन न होने पर कर दिया बड़ा ऐलान। पूर्व मंत्री और सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को दलित और पिछड़ा विरोधी बताते हुए उसे रामचरितमानस को बैन करने की मांग की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू नेताओं और संतों ने जंग छेड़ दी। लोग स्वामी मौर्य के खिलाफ बयान ही दे रहे थे कि हिंदू महासभा के नेता सुशील चतुर्वेदी ने लखनऊ के हजरत गंज कोतवाली में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हल्ला बोलते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रामचरित मानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू नेता सुशील चतुर्वेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग करते हुए अखिलेश यादव से अपना पक्ष साफ करने की मांग की। साथ ही खुद को हिंदुवादी सरकार बताने वाली योगी सरकार से भी स्वामी मौर्य जैसे लोगों पर एक्शन न लेने पर तंज कस दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा है, तो उसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर FIR कराने आए हैं। 4 बजे इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और अब देखना ये है हमको कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या रहता है। माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुओं के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो राम भक्त हैं, वो अब तक क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी अब तक स्वतः संज्ञान लेके गिरफ्तारी नहीं कर रही है, अदालतें क्यों सो रही हैं लगातार, कभी इन्होंने धार्मिक ग्रंथ को जलाया और कभी ये यहाँ पर जिस प्रकार के ये काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर शब्दों से चोट पहुँचा रहे हिंदुओं को, तो अब इस पे हम लोग सेवता की जो हमारी हद है उसको भी ये पार कर चुके हैं। इनकी हैसियत नहीं किसी अन्य धर्म में कि धार्मिक पुस्तकों पे या उनके इष्टों पे कुछ कह सके। हर चुनाव के पहले ये कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में, बेटी भाजपा में, तो ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को हम लोग देखना चाहते हैं उनका स्टैंड इस पर क्या आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदूवादी सरकार अपने कहती है वो क्या करती है, कब तक हम लोग को ऐसे। शिकायत मिलने के बाद ADCP राजेश श्रीवास्तव ने साक्ष्य मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, तहरीर प्राप्त हुई है थाना हजरतगंज में, इंस्पेक्टर द्वारा रिसीव की गई है श्री शेषेश चतुर्वेदी द्वारा, जिसमें श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो रामचरित मानस के कुछ अंशों को इंटरप्रेट किया गया है उस पर आपत्ति व्यक्त की गई है। और उस एप्लीकेशन हम लोगों ने रिसीव किया है, उस पर एक इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी करने के बाद जो भी फैक्ट्स मिलेंगे, जो परिणाम प्राप्त होगा, वैसी ही अग्रिम कार्रवाई की। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर धर्म और जातियों पर बयान देते रहते हैं, जिसके चलते विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार मामला रामचरितमानस से जुड़ा है, जो काफी संवेदनशील है। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐसा ही बयान देकर सियासी बखेड़ा खड़ा किया हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।